डिप्टी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मनीर मसूद मार की तरफ से अवामी मिसाल से आगाही और अवाम के अतमाद को बहाल रखने के लिए मुल्तान पुलिस निजी रेडियो के जरिए बराह रास्त अवामी राबते का सिलसिला शुरू किया गया। मजीद जानते हैं जाफर हुसैन से। जाफर, आगाह कीजिएगा कि CPO मुल्तान के इस इकदाम का मकसद क्या है और इसके अवाम को क्या फायदे होंगे। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस FM रेडियो के प्रोग्राम में लाइव कॉल मुहिम का आगाज़ किया गया, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने CPO मुल्तान को अपनी शिकायत से आगाह किया, जिस पर CPO मुल्तान ने हर कानूनी तरीके से शहरियों को मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई और इनकी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकाम जारी किए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गलाजई भी इस दौरान इनके हमरा थे। CPO मुल्तान का कहना था कि मुल्तान पुलिस की जानिब से इस सर्विस का आगाज़ अवाम की सहूलियात को देखते हुए किया गया है। किसी को मुश्किलात होती है या वो अपनी जायज़ शिकायत नहीं करवा पाता तो वो यहाँ पर राबता कर सकता है। पंजाब पुलिस की हमेशा से अवलीन तरजीह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के मसाइल को हल कर सके। लाइव प्रोग्राम के दौरान आने वाली तमाम कॉल्स CPO मुल्तान खुद सुनता है, लिहाजा अगर मुल्तान के किसी भी शहरी को खुद वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो कोई भी मसला या मसाइल हो तो वो बराह रास्त CPO मुल्तान से बासानी राबता कर सकता है। CPO मुल्तान के पुलिस FM रेडियो पर लाइव प्रोग्राम के हवाले से पुलिस FM रेडियो मुल्तान पुलिस की सोशल मीडिया पिक्चर्स, ट्विटर और दीगर ज़राए से आगाही फराहम की जाती है। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्द का ये इकदाम यकीनी मिसाली है और अवाम के दिलों में पुलिस के मुस्बत किरदार तश्कील देने की भी एक बड़ी काविश है। बहुत शुक्रिया जाफर, तफसीलात से आगाह करने का।